Sorry. <laughs> अच्छा ह्यूमन राइट्स में मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़े सॉरी बात बढ़ती जा रही है तो एक बड़ा बहुत बड़ा इशू जो आता है, one, वो ये है क्या आपने कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स, को या सोसाइटी के ह्यूमन राइट्स को प्रेफर करना है तरजीह देनी है ऑन द इंडिविजुअल बहुत नहीं। बड़ा एक क्लैश है क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होते हैं वेरी मॉडर्न

एक बहुत बड़ा जत्था उठ के उनके खिलाफ उठ के कहता है तुम तो ये जो है ना एक यानी एक लिटरली जेनोसाइड की, तरी, की तरीके पर चल पड़े हो क्लेंजिंग एथनिक क्लेंजिंग के तरीके पर चल पड़े हो अपने बच्चों को मारने पर निकल आयो पहले हमारी पॉपुलेशन गिर रही है ह्यूमन तो, राइट्स की जब आप बात कर रहे हैं आप देखें कि इसके साथ आ क्या रहा है जैसे इकबाल कहता था हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम क्या खबर थी कि चला आएगा इलाहाद भी साथ मतलब ह्यूमन राइट्स लेते लेते ये ना हो कि जानवर ही बन जाए बहुत शुक्रिया राइट right. उख्ती जी आगे आपकी मर्जी आगे मेरी मर्जी मैं देख <laughs> <laughs> इन्नी मिनी कर दे ये कौन है साईनाथ साईनाथ मुसलमान भाइयों को नहीं आ, मैं ऐड कर रही मैं उनको देख रही हूँ उनको ऐड ऐड करेंगे ऐड साईनाथ साहब जी हेलो एवरीवन हेलो हेलो व्हाट इज योर इजम भाई uh, um, ism I am not talking about ism basically I had couple of questions Hindi फरमाइए फरमाइए ये है कैसर क्या भाई? कर कर... कैसर भाई कुछ नहीं तो दिया करें भाई।, भाई कैसर भाई कैसर भाई sorry कैसर, कैसर भाई ये हिंदी और उर्दू वाला channel on करते हैं तो डिमेर बनी इधर था वैसे तो English में क्यों हो गया सारे आग

मुझे इनकी आवाज आप, नहीं आ रही है कैसे भाई हिंदु। ये हिंदू है हाँ ये हिंदू है यानी हिंदुइज्म है और आपका जो हिंदुइज्म है इज्म है वो कैसे बेटर है इस्लाम से यही टॉपिक रहेगा जी साईनाथ भाई भी बता रहा हूँ कि आ, मैं ये बेटर या ये नहीं सोच रहा हूँ 2015 थाउजेंड ऑनवर्ड्स मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए एंड

क्वेश्चन ये है सर कि सॉरी मतलब 21 uh, 2021 में ड्यूरिंग द कोरोना मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए uh, तो आई एम काइंड ऑफ कंप्लीटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इस्लाम सो आई एम मूविंग आउट ऑफ हिंदुइज्म तो मेरी तो सिस्टर जो है उन्होंने मुझे जी का चैनल चैनल रेफर किया था था उनके पे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ फर्म आंसर नहीं इसीलिए से जंप करके उधर आए आपने पूरा इंडिया हमें घुमाना है मुझे समझ लग गई है सीधा उस पर क्वेश्चन ये है सर कि जैसे ये कुरान जो है Uh, आपका जो इस्लामिक बुक है ये uh, काफिर और मुशरिक जो कहता है उसमें हिंदू सिख जैन बुद्ध ये जो इंडियन रिलीजन्स है वो कैसे आ सकते हैं जो मैं स्टडी कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ये दिस इज बेसिकली ओनली फॉर दी अब्राहमिक रिलीजन्स एंड मुस्लिम्स साईनाथ भाई एक मिनट रुकिए आमिर भाई पहले तो ये बोले कि हिंदू अब नहीं रहे अब इस्लाम को जानना चाह रहे हैं यही है। मैं, लगा लगा मैं बता अभी रहा था यही मैं कहने लगा, लगा था, लगा था लगा क्योंकि हमारे पास आजकल बड़े हमारे दोस्त आ रहे हैं अच्छे अच्छे से अल्लाह कबूल करे एक मिनट जरा सुनिए भाई एक मिनट मिनट जी सर बात बात आ गई एक प्यारे भाई कोई अगर अल्लाह ताला की तोफीक होगी कोई भी नहीं रोक सकता आपको टेंशन ना लें इंशाल्लाह और अगर अल्लाह ताला की तोफीक कोई नहीं है तो चक्कर ही कोई नहीं ठीक है ना जरा रुक जाए हमारे पास आजकल बड़े दोस्त आ रहे हैं वो आके कहते हैं जी हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं हम हिंदू थे या ईसाई थे तो इसलिए चूँकि अब हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो हमारे जो धर्म है उसको रख दें साइड के ऊपर और अब बस हमने इस्लाम के ऊपर खुल के सवाल करना है बस हमारे सवालों के जवाब देते रहें और हम आज कबूल कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे एक साल बाद कर लेंगे और हम उनको जवाब देते रहते हैं वो दो तीन साल गुजर जाते हैं वो हमें लगा के रखते हैं तो ये अल्लाह की तोफ़ी है जिसको अल्लाह चाहता है हिदायत देता है तो हमें इस चीज़ का कभी खौफ नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये अल्लाह की तोफ़ी है ये उसकी मर्जी है एक तो ये चीज़ मेरा भाई आप ना पर्सनल ऐसे करें कैसर भाई की ईमेल आपको नजर आ जाएगी ठीक है उनके चैनल के ऊपर फेसबुक भी है इसी तरह मेरे पास साथ करना चाहते हैं इंस्टाग्राम का है आप मुझसे सेशन करूंगा आपको कोई कोई मुश्किल सवाल है वो आपके साथ वहां करेंगे ठीक है ना मेरा भाई नंबर एक और नंबर दो जो आप के लिए मुसलमानों के लिए था नहीं कुरान में अल्लाह ताला ने या हन्नास जो इस्तेमाल किया है या यान्नास का मतलब होता है सूरह इब्राहिम की पहली आयत में लिखा है बलागुन बलागुलन्नास मीन जिकरुल आलमीन, आलमीन। कुरान जो है लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं तो ठीक है वहां पर अल्लाह तला ने सबको मुखातिब किया ना को, ना को, ना को, ना को, सब को जितने इंसान हैं

अल्लाह के रसूल चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी दावत को कबूल करें कि जहनम से बच जाए और जन्नत की तरफ आ जाए इसमें कोई शक नहीं मगर उसी जगह पर अल्लाह तला ने कहा बड़ी तोज्जो के साथ के ऐसे दुश्मन भी हैं जिनको आप नहीं जानते अल्लाह जानता है वमातामल तालम ठीक है भला किन्न अल्लाह याल्ला उनको जानते हैं आप भी उनको नहीं जानते ऐसे छुपे हुए दुश्मन है तो हमारी कई स्ट्रीम के अंदर लोग आएंगे अपनी आई के साथ लिखाएंगे एक्सनातनी ठीक है पिछले दिनों को आ रहा था एक दो बंदा उसको जब मैंने पकड़ लिया वो गायब हो गया लिखता था एक्स सनातनी क्योंकि उसको पता था हम सनातन के ऊपर टॉपिक रखा है तो आके कहते थे मैं तो एक सनातनी हो गया हूं तो अगर आप मुझे इस्लाम के कुछ सवाल का जवाब दे दें तो जनाब मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा मैंने कहा बड़ी मेहरबानी आप एक सनातनी ही रहे कुछ अर्सा ठीक है जी बहुत मेहरबानी ये इस तरह के जो हमारे दोस्त होते हैं मैं उसने देखें हुसने जन अपनी जगह के ऊपर है अल्लाह तला माफ फरमाए मगर मेरा ये मानना है कि जिसको अल्लाह ने तोफीक दे देनी है उसको कोई इंसान रोक नहीं सकता वो आएगा

तो इतराज हाँ इन, कर रहे हैं ये हिसाब से चलाएं। जी? आ, वो चलाएं, उसमें कोई मसला नहीं आप भी मुसलमान हैं आपके पास भी यूट्यूब है आप भी चैनल चलाएं मेहनत करें मेरा भाई आप भी आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं आप कर लें कैसर भाई को वहाँ इन्वाइट कर लीजिएगा ठीक है कैसर भाई आ जाएंगे वो जो बिगाड़ा है ना वो मुझे पता तो है जब ये आते हैं ना टीम की सूरत में और जो इनका एजेंडा होता है कि आज एक बंदा तैयार करके ये लोग कैसर भाई से आज मजे की ऊपर बात कर लगता है की आपका केस आने वाला है प्राइवेट में देख रहा हूँ मानव साहब है वो कहते हैं दम है तो मुझे बात करो थे, मुझे कहना चाहते थे मुझसे बात करो मनो भाई क्यों नहीं इसलिए तो हम यहाँ पे बैठते हैं हाँ, आपसे ये कहेंगे कि देखें भाई। गाली गलोज, करना की भाई तो, तो ये अच्छी बात, बात नहीं है बायोर मीन आप क्यों नहीं है अच्छा मैं बात करूँ तो जीनियस ने एक और ये लिख दिया है कि दम नहीं है बात करने की <laughs> <laughs> आपने डिबेट का कहा है आप दोनों भाइयों से करेंगे इनशा लजीज़ लेकिन फिर डिबेट जो है वो डिबेट के डिकोरम में होगी ठीक है आपको फिर बुरा नहीं मानना चाहिए फिर कि हम आपसे अखलाक की के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुरा इमेजिन आप, आप हाँ, बस तो करें बस गाली गली ना करें इज्जत के साथ हाँ, अच्छे से बात करें हाँ बिल्कुल जरूर

मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना मैं राजा साहब अच्छा जीनियस भाई जीनियस भाई न? पहले ये बताइएगा आप हिंदू हैं एथिस्ट हैं क्या नहीं है? नहीं मैं मैं नास्तिक क्या हैं नास्तिक अच्छा नास्तिक अच्छा, हैं अच्छा पहले आप हिंदू थे मेरे मेरी फैमिली थी हिंदू मतलब हम दलित परिवार से आते हैं आप कब तक हिंदू थे कब नास्तिक हुए आप मैम हम अब दलित परिवार से चाचा जी कब से थे हम दलित परिवार से आते हैं हमने पढ़ाई की हमने बाबा साहब को पढ़ा फिर हम नास्तिक हो गए ठीक है कितनी एज में हुए थे कितनी देर हो गया नास्तिक हुए सर मैं जब तक तो एक बारहवीं तेरहवीं ट्वेल्थ या थर्टीन क्लास में था तब तक से नास्तिक ठीक है ठीक है, है चले सही है ओके जी तो मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ कि मैं जिस सीरे में रहता हूँ वहाँ पे मुस्लिम है हम जहाँ कहाँ पे मैं इंडिया में रहता हूं सर अच्छा अच्छा कैसे भाई है तो क्योंकि एथिस्ट हैं ये आपसे बात करेंगे तो आप एथिज्म वर्सेस इस्लाम के हवाले से करेंगे हां जी हम जी जी तो सेवेंटी 70% इस्लाम इस्लाम के लोग रहते हैं पर सभी लोग इतने अच्छे और इतने मतलब खूबसूरत है ना सब सपोर्ट करते हैं हमको सभी लोग मेरे आजू में इस्लाम के लोग रहते हैं ये साइड में भी लेते सब लोग सपोर्ट करते हैं और एक एक वक्त ऐसा आया कि हमें इस्लाम की तरफ गया माता पिता को, मतलब को मतलब वन डे में माता पिता मेरे माता पिता बुजुर्ग एक वक्त ऐसा आया कि हमें इस्लाम धर्म को मतलब कबूल कर लूँ मैंने बहुत पढ़ाई की है सा, मोहम्मद साहब के बारे में आ, सब के बारे में पर मैंने आपकी और गालिब कमाल की जो स्ट्रीम देखी ना उसके बाद मेरा विश्वास उड़ गया एविलेशन का <laughs>

जो आपको लगी के कैसर भाई चूंकि बहसियत है तो मुसलमान एक बात करें तो आपने इस्लाम से दूर हो गए वो पॉइंट नहीं नहीं पहली, पहली तो इन्होंने रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं की पहली तो ये बात है दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि कोई प्रोटीन इतने लाखों साल में नहीं बन सकता पर ये टीबी और एच और ये जो कैंसर के वायरस फिर कैसे बनते हैं फिर ठीक है दो चीज़ें इसमें मैं एक तो आपकी ग़लतफ़मी दूर कर दूं कि हमारी जो डिबेट हुई थी इसके बिल्ट अप में हमने ये चीज़ तय की थी इवन बाद में भी जो हमारा एक्सचेंज हुआ कि हम एक साइंटिफिक डिबेट करेंगे इसलिए कि इवोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ ये कि रिलीजन से मैच नहीं करती बल्कि वो नज़रिया साइंस से भी वो मैच नहीं करता और इसलिए गालिब ने एक आदि आयत का जिक्र किया था शायद कोई इस्लामी रेफरेंस दिया था तो मैंने उसको कॉल आउट भी किया था कि हम एक साइंटिफिक डिबेट कर रहे हैं तो इसमें रिलीजन को आप क्यों लेके आ रहे हैं आप इवोल्यूशन को साइंटिफिक आइडिया आपने साबित करना है ह्यूमन इवोल्यूशन को कि ये वाकई हुई है उसमें गालिब कमाल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए दो मैंने दो दिए अपने पहले आधे आधे घंटे में उसके बाद गालिब कमाल ने तीसरा आर्गूमेंट दिया जो कि एक्चुअली डिबेट में अलाउड नहीं था उसने रिस्पॉन्ड करना था लेकिन गालिब कमाल ने मेरी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स किया नहीं था तो खैर वो एक और चीज़ है आ, मैं आपका जो ये गिला है कि मैंने कोई इस्लाम की बात नहीं की अगर तो ये हो कि मैं कहूँ कि ये इस्लाम वर्सेस इवोल्यूशन डिबेट है और मैं इस्लाम पे बात ही ना करूँ तो फिर तो आपकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर बहस हमारी ये हो कि इज ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रू तो फिर उसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे ना उसमें हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे उसमें हम अपना इस्लाम की बात नहीं करेंगे उसमें हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे यू नो उसमें हम वॉरफेयर की बात नहीं करेंगे ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये बादल बताब आपके लिए सोचने के लिए है कि गलब कमाल ने अपने पहले आधे घंटे में दो आर्ग्यूमेंट्स रखे थे क्रोमोसोम टू की फ्यूजन का और फॉसल्स का लेकिन पूरी डिबेट में बाद में फॉसिल्स पे उसने बात नहीं की थी ये अलबत्ता सोचने की बात है कि जो आदमी ये कहता हो कि आपकी रिलीजियस किताबों में इतने पेजेस नहीं है जितने हमारे पास फॉसिल्स हैं और डिबेट के दो मेन आर्गूमेंट्स जो उसने दिए अपने आधे घंटे में बाकी डिबेट हमने उसी आधे घंटे पर ही करनी थी जो हमने वहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं बाकी डिबेट उसी लेकिन उसने फॉसल्स पे बात तक नहीं की बल्कि ढाई चार बीस छलांग लगाई और मैं कह रहा हूँ हारस से कि ये क्या हो रहा है लेकिन हारस ने भी कहा नहीं फिर लोग फैसला करेंगे मैंने कहा ठीक है लोग फैसला कर लेंगे तो आपको ये ओड नहीं लगा कि एक आदमी अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट पे बात ही ना करे और, और तरफ... इसलिए नहीं लगा सर क्योंकि जमाना चला गया अभी डीए का जमाना नहीं फौस का जमाना नहीं गया है फौस का जमाना और तो फौसल का जमाना भी, तो भी चले, चले गया एक मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि फौसल का जमाना चला भी गया है तो फौसल का ज़माना उसी वक्त गया ना जब लोगों ने फॉसल पे क्वेश्चन करना शुरू किए हालांकि गया नहीं है लेकिन तो अगर टो. मान लें एक मिनट के लिए तो फिर भी क्वेश्चन करने पर ही गया ना और दूसरी बात यह है कि अगर फौसल का जमाना चला गया है तो गालिब कमाल की क्या वजह शहरत थी कि वह फौसल पर बात करता है गालिब कमाल के दो मेन आर्गूमेंट्स में से एक आर्गूमेंट क्या था डिबेट के दौरान फॉसिल्स तो ये गालब कमाल को सोचना चाहिए ना कि अचानक फॉसिल्स पे अगर बात हुई है बारह साइंटिफिक पेपर शेयर किए हैं जो फॉसल्स को रिफ्यूट कर रहे हैं कम से कम इस कहानी को फॉसल्स को तो नहीं इस कहानी को रिफ्यूट कर रहे हैं तो वो कहे कि नहीं फॉसल पे बात ही नहीं करनी है तो फिर आप सोचें ना कि क्या हो गया डिबेट के दौरान ही एक आदमी का माइंड चेंज हो गया

मैं आपकी बात सिर्फ चाहता हूं कि वाली कंक्लूड हो जाए क्योंकि ये ये ने भी बात में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी कि कैसर ने पे क्यों बात की है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गालब कमाल ने जब अपने दो मेन आर्गूमेंट जो उसने दिए एक फ्यूजन का और दूसरा फॉसल्स का तो आपका क्यों ख्याल सवाल सुन लेंगे पूरा

माफी चाहूंगा पेज पे नहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए मैंने वहां पे तकरीबन सभी की 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 समरी इकट्ठी है कि डिबेट में गालिब ने क्या कहा और वो मैंने इसीलिए किया है कि वो दस दस बारह बारह मिनट की छोड़ शॉर्ट वीडियो है कि अगर कोई तीन घंटे की नहीं देखना चाहता तो वो उसको देख ले उसमें हमारा जो फॉसल्स पे जो हमारा एक्सचेंज हुआ है कि गालिब ने अपने ओपनिंग केस में फॉसल्स को किस तरह से प्रेजेंट किया मैंने किस तरह से रिफ्यूट किया और गालब ने बाद में कहा कि मैं पे बात ही नहीं करता ये सारे का सारा आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसने उसने बात बात नहीं की उसने की बात की है सर मैंने देखा, ना पुरा -पुरा देखा, देखा है ना तो अगर मैं आपके आपके वो पूरा अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके वो हिस्सा दिखा दूं जिसमें

हकीकत के ऊपर साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बात होगी उसकी जो बेस है एक मिनट के लिए सोच ले मदब के ऊपर बात थी कैसर भाई ने नहीं की एक मिनट के लिए सोच ले पे बात थी कैसर भाई फौसल पे कर रहे थे और तू इस्लाम से यानी कैसर भाई की डिबेट है कहता जी वो डिबेट देख के मैं इस्लाम से दूर हो गया <laughs> उस डिबेट में इस्लाम की ऐसी कौन सी चीज बयान हुई या पीछे हटा गया जिससे जिससे इस्लाम की मजबूती या कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज हुआ मुझे बताओ तो सही कोई एक चीज ये लेटली ना ये ट्विटर पे भी ये काम चला है और मुझे लगता है लेके आए हैं मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ लोगों ने दोबारा से उसको जिंदा करने की कोशिश की है उस डिबेट को कि वो देखो गालिब ने ये कह दिया और गालिब ने वो कह दिया और सारी इस तरह की बातें जो है ना वो काफी इस तरह की वो सामने आई हैं अच्छा तो ये वहाँ पे वो कुछ लोगों ने ये किया तो मेरे ख्याल ये उसी सिलसिले की कड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ना हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है अदरवाइज ये होगा कि ये फिर बात जो है वो कभी भी किसी नुक्ते पे लगेगी नहीं जाएगी नहीं तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं सिर्फ ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी कैसा भाई हो रही है और ये बैक स्टेज ही है मैंने इनको खुद बैक स्टेज किया है क्योंकि ये बार बार अनम्यूट कर रहे थे तो जैसे ही आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इनको ऐड कर दूंगी जीनियस साहब आप स्टेज पे ही रहिएगा बैक स्टेज तो मुझे बताइएगा अगर आपको ऑडियो वगैरह कोई मसला हुआ ये उस डिबेट जो हमारी फोसल की जो डिबेट थी ना ये उसका एक छोटा सा है वो मैंने जैसे मैंने अर्ज किया कि मैंने वो सारे हिस्से इकट्ठे कर दिए ताकि लोगों को बाद में सहूलत हो जाए आ, कि डिबेट में क्या हुआ था तो जस्ट 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 लिसन टू दिस पार्ट तो बहुत सी बातें कही जाती हैं फॉसिल रिकॉर्ड को लोग डिस्कार्ड कर देते हैं नहीं मानते मगर फॉसिल भी बहुत सी बातें बताते हैं फॉसिल जो बातें बताते हैं वो क्या हैं हमारे पास ये चार मिलियन साल पहले हमारे पास था, फिर होमो रिडल फ्रांसिस तकरीबन तीन मिलियन साल होमो अर्गेस्टर था तीन मिलियन साल पहले ठीक है होमो रेक्टस था तकरीबन दो मिलियन साल और इंसान और आपको इस तस्वीर में एक पैटर्न नजर आ रहा सब है सबसे ऊपर चमपैनजी का दिमाग तकरीबन तीन सौ इससे भी कम जो है वो गोरेला हो है मगर इंसान का दिमाग तेरह सो सीसी से ज्यादा होता है मगर इंसान के जो क्लोजेस्ट जेनेटिकली जेनेटिक जिना, रिलेटिव्स थे दोनों के दोनों वो एक दो से ज्यादा थे दो दिखाए गए हैं जिसमें एक था और एक होमो अच्छा अब मैं चूंकि मैं ये उसका सारा मैं वो बारह मिनट की वीडियो सारी तो मैं है पे नहीं चलाऊंगा लेकिन आप उसके अल्फाज पे गौर कर लें कि वो खुद कह रहा है कि लोग कहते हैं कि को पता नहीं है वही होते हैं लेकिन फोसल बहुत कुछ बताते हैं और ये उसके दो मेन आर्गूमेंट में से एक आर्ग्यूमेंट था उसकी फिफ्टी डिबेट इस आर्गूमेंट पे थी ये और बात है कि जब गुफ्तु आगे बढ़ी तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन भी दिए आप देख सकते हैं कि, कर रहा हूं, कि मैंने वो सारे साइंटिफिक पेपर शेयर किए जिसमें मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है सारी ये बातें मैंने की सारा का सारा मैंने गालब कमाल से पूछा तो आगे से ये सिर्फ एहसास सुन ने कि जो गालब कमाल ने उसकी रिबटल दी है जो उसके आर्ग्यूमेंट पे जो मैंने रिस्पॉन्स किया उस पे गालब कमाल का आप जवाब सुन लें और फिर मुझे हैं। आप कहते हैं। मैं लड़ रहा हूं मुकदमा मैं लड़ी मुकदमा दूसरी बात है अब उसे सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है सपोर्टिंग एविडेंस कंसिडर किया जाता है ये जो मैंने बारह पेपर शेयर किए थे उससे पहले तो वो आपका मेन था दो मेन में से एक था। How did that happen? <laughs> तो ये उस आदमी आर्ग्यूमेंट थे उसकी रिबटल के बाद उसने कहा कि नहीं मैं बात नहीं कर रहा उस पे वो तो क्यों बात नहीं कर रहे तुम भाई क्या हो गया अचानक घर से तैयारी करके नहीं आए थे तुम तो? पता नहीं था तुम्हें डिबेट किस चीज पे होनी है अचानक वो वो कैसर, कैसर, कैसर भाई मैं आपको बताऊं ये दो जो भाई ना करण अर्जुन हैं ये लड्डू लड्डू और पड्डू ये दो जो हैं इनकी व्यूरशिप ये डेड हो चुके हैं मैं आपको बताऊँ ना इनको कोई हिंदू सुन रहा है ना इनको इंडियन सुन रहे हैं ना पाकिस्तानी व्यूरशिप डेड हो चुकी हुई है और ये अपने चेले चांटे भेजते हैं जा, जा के दोबारा उस चीज को रिवाइव करें ताकि हमें व्यूअरशिप मिल सके कभी ये मुफ्ती साहब को चैलेंज कर देता है शॉर्ट डाल के कभी ये आपके पास चूहे भेज देते हैं कभी ट्विटर पे बात करते हैं ताकि दोबारा हमें व्यूअरशिप मिले चूंकि जिक्र हो गया ये बंदा कह रहा था उसने बात नहीं की फौसल के ऊपर कैसे मैंने दिखा दिया मैं आपको एग्जैक्ट इसके चैनल के ऊपर नौ महीने पहले ये डिबेट हुई है ठीक है जी तीन फरवरी दो हजार बाईस को उस वीडियो में तेईस मिनट और पंद्रह सेकंड के ऊपर

दे मेरा मेरा यही मकसद है और उस मुझे क्या उस पे उन पे कोई ऐसी दे आर फॉसिलाइज्ड एक्चुअली दे आर फॉसिलाइज्ड लिटरली अच्छा जी जीनियस साहब वेलकम बैक अब आप अगला दूर होगा कि उन्होंने फॉसिल्स पे बात नहीं की थी अरे सर आपने जो आपने डीएनए पे डीएनए पे आंसर नहीं दिया हां हां सलाम थोड़ी आती है अब अब दिए

मैं आप, आपको मैं मौका देता हूं क्यों आपने कहा ना कि बात नहीं की उन्होंने ये कहा कि हमारी ये फ्यूजन हुई है तो मैंने उनको बागे से बताया कि है कि फ्यूजन हुई हो इस वजह से कि जो एन टू एन टेलोमेयर हैं हमारे एक तो वो उनकी डिजाइन इसलिए होता है कि वो प्रिवेंट करें खैर ये मेरा मेन आर्गूमेंट नहीं है मैं उनसे ये पूछ रहा था कि अगर ये फ्यूजन हुई हुई होती तो वहां पर हमारे पास जो डी एन लेटर्स हैं वो तकरीबन पांच से दस हजार होते हैं तो दो एंड पे अगर, ट, 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 की आपस में अगर हुई है, तो हमारे पास लेटर्स होने चाहिए थे कम, से कम दस हजार भी कुछ कमी हो सकती थी लेकिन हमें फिर भी दो टेलोमेर के मिलने के बाद जितने लेटर्स मिलने चाहिए थे हमें वो नहीं मिले क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दस हजार से लेकर तीस हजार के दरमियान और मिले कितने हैं सात सौ अठानवे ये कौन सी फ्यूजन हुई अभी एक्सीडेंटल जिसकी आप बात कर रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक, एक एक्सीडेंटल फ्यूजन हो गई और इंसान और चिप्स जो है वो अपना जो, जो दो लाइंस जो है वो हो गई अब ये भी